ईमानदारी अधिक प्रतिष्ठित कैसे हो, ये सरकार सज्जनों की मित्र है और दुर्जनों को सज्जनता के रास्ते पर लौटाने के लिए उपयुक्त वातावरण को तैयार करने के पक्ष में है। वैसे ये भी एक कड़वा सत्य है कि लोगों को सरकार की व्यवस्थाओं, कुछ सरकारी अफसरों और लाल फीताशाही से जुड़े कटु अनुभव होते रहते हैं। इस कटु सत्य को नकारा नहीं जा सकता। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि नागरिकों से ज्यादा जिम्मेवारी अफसरों की है, सरकार में बैठे छोटे बड़े व्यक्ति की है, और इसलिए चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर स्थानीय निकाय, सबका दायित्व है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति के अधिकार की रक्षा हो, ईमानदारों की मदद हो और बेईमान अलग थलग हो। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक सर्वसामान्य तथ्य है कि आतंकवाद, नक्सलवाद, जाली नोटों का कारोबार, ड्रग के धंधे से जुड़े लोग, मानव तस्करी से जुड़े लोग, हथियारों के कारोबार में लगे लोग, ये सब लोग काले धन पर ही निर्भर रहते हैं। ये समाज और सरकारों के लिए नासूर बन गया है। इस एक निर्णय ने इन सब पर गहरी चोट पहुंचाई है। आज काफी संख्या में नौजवान हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौट रहे हैं। अगर हम जागरूक रहें तो अपने बच्चों को हिंसा और अत्याचार के उन रास्तों पर वापस लौटने से बचा पाएंगे। इस अभियान की सफलता इस बात में भी है कि अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से बाहर जो धन था वो बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में वापस आ गया है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से ये सिद्ध हो चुका है कि चालाकी के रास्ते खोजने वाले बेईमान लोगों के लिए आगे के रास्ते बंद हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी ने इसमें बहुत बड़ी सेवा की है। आदतन बेईमान लोगों को भी अब टेक्नोलॉजी की ताकत के कारण काले कारोबार